आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है, आगे कंसेप्ट आता है मेरा फॉरेन की का। फॉरेन की क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। फॉरेन की मेरा एग्जाम्पल की पहले बात हो देता हूँ, मैंने एग्जाम्पल हालांकि पहले भी दिया था। लेट से मेरी दो टेबल है, चलिए एग्जाम्पल की बात डेटा के साथ करते हैं। यहाँ पर मैं दो टेबल बनाने वाला हूँ, एक लोकेशन की एक एम्प्लॉय की, ठीक है। तो लोकेशन की टेबल एक मैंने बना दी, ध्यान से देखना, लोकेशन कोड को प्राइमरी की दिया है, हालांकि इस प्राइमरी की से कोई लिंक नहीं है फॉरेन की का, आप दोगे या नहीं दोगे वो एक अलग बात है, मतलब प्राइमरी की है भी तो केवल इसी टेबल के लिए वैलिड है, राइट। अब मैं अपनी टेबल को यहाँ पे चला के दिखाता हूँ कि सच में ये टेबल बन गई है। एक्स एक्स एल ओ सी टी एल आई थिंक बन गई होगी, यस। दो कॉलम है, लोकेशन कोड एंड नेम, दो कॉलम में कुछ कुछ रॉ डेटा भर लेते हैं। लेट से मैं एक दिल्ली की एंट्री बनाई, एक यूपी की एंट्री बनाई, एक एमपी की एंट्री बनाई, एग्जाम्पल के लिए कमिट कर दिया। कमिट करने के बाद डेटा भी मैंने देख लिया, सिंपल डेटा बनाया, कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ तक। एक दूसरी टेबल बनाते हैं, ठीक है। दूसरी टेबल बनाता हूँ एम्प्लॉय की, यहाँ पे भी एक प्राइमरी की दिया हुआ है, इसका भी कोई लिंक नहीं है दूसरी टेबल से, सिंपली प्राइमरी की है तो इसी टेबल के लिए ये कॉलम यूनिक है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई यूज नहीं है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है तो अभी कमेंट ही रहने देते हैं, इसकी बात भी नहीं करते हैं, राइट। मैं एक टेबल बना लेता हूँ, यहाँ पर टेबल बन गई, टेबल में कुछ कुछ डेटा मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। लेट्स से एक डेटा ये किया, 101 का डेटा है, 105 का डेटा है, 1010 का डेटा है, कमिट कर देता हूँ, डेटा को देख लेता हूँ, डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे। लोकेशन कोड में 1 है, 5 है, 10 है, राइट। जबकि अगर दूसरी टेबल को देखूं, जो मेरी लोकेशन कोड की दूसरी टेबल है, उसमें मेरे पास तीन अलग है, 1 2 3 है वहां पर, 1 2 3। अब मैं क्या करता हूँ, अब अपने डेटा को फॉरेन की के लिए क्या यूटिलाइजेशन आता है उसके लिए डेटा को प्रिपेयर करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं सभी को यहां पर 1 कर रहा हूं, डेटा दिखाता हूं आपको, देखिए एम्प्लॉय टेबल में अब केवल और केवल 1 लोकेशन कोड का डेटा है, ठीक है। मतलब मेरे पास 1 2 3 लोकेशन मेरी लोकेशन टेबल में और एम्प्लॉय टेबल में लोकेशन 1 का ही डेटा है, इसके अलावा कोई डेटा नहीं है। अब पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक कंस्ट्रेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले फॉरेन की के कंस्ट्रेंट का जो सिंटेक्स है इसको समझते हैं। ये सिंपली बोलता है फॉरेन की, जब आप अपने किसी एक डेटा की डिपेंडेंसी दूसरे टेबल के मास्टर डेटा से करते हो, तब मेरा फॉरेन की का कंसेप्ट आता है। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे बेटर समझ में आएगा। टेबल को ऑल्टर करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखो तो लोकेशन मास्टर आपकी एक तरीके से लोकेशन वाली टेबल मास्टर टेबल है जो लोकेशन का डेटा मेंटेन कर, बट एम्प्लॉय टेबल एक तरीके से कह सकते हैं कि चाइल्ड टेबल है जो लोकेशन के मास्टर को यूज करके डेटा बना रही है। भाई वन जो वन है डालने को तो मैं इसमें कुछ भी डाल सकता हूँ, बट वैलिड डेटा रहे। पहले अगर आपने देखा होगा तो मैंने 1 का 10 का 5 का कुछ भी डेटा इसमें डाल दिया, राइट। वैलिड डेटा रहे और वो डेटा मेरा मास्टर टेबल में एग्जिस्ट करे। साथ में अगर मैं अपना डेटा डिलीट कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो उस डेटा के साथ होना क्या है, चाइल्ड वाले डेटा पे अगर मैं मास्टर से 1 वाली जो एंट्री है उसको डिलीट करता हूँ तो चाइल्ड वाली टेबल में 1 के डेटा का क्या होगा। ये सारे के सारे एक्शन मेरा यही फॉरेन की का कंस्ट्रेंट मेंटेन करता है, ठीक है। सिंटेक्स समझते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल पे ऑल्टरेशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐड कंस्ट्रेंट कर रहा हूँ। यहां तक की कहानी पहले भी देखी है आपने तो कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। क्या कर रहा हूँ, जैसे पीछे देते हैं ऐड कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की बनाता हूँ तो प्राइमरी की लिखता हूँ और फिर यहाँ पर प्राइमरी की का कॉलम लिखता हूँ। तो अभी फॉरेन की बना रहा हूँ तो फॉरेन की लिखा है, किस कॉलम पे बना रहा हूँ वो कॉलम लिख दिया। मैं इस वाले कॉलम पे फॉरेन की बनाने जा रहा हूँ, ये वाला जो किसके रेफरेंस में बना रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, किस टेबल को मास्टर समझ के मैं बना रहा हूँ, किस टेबल को, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इस टेबल को मास्टर, LOC TL वाली जो टेबल है इसको मास्टर समझ के मैं डेटा बना रहा हूँ, ठीक है। पैरेलली एक चीज और टेस्ट करते हैं यहाँ पर, अभी कंस्ट्रेंट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जिस
मेरे पास जिस डिपार्टमेंट का डेटा नहीं है, जिस लोकेशन का डेटा नहीं है, उसका एक यहाँ पर रॉ डेटा मैं फीड कर लेता हूँ। लेट्स से फाइव वाला डेटा भी मैंने एक फीड कर लिया। फाइव वाला डेटा क्यों नहीं फीड हुआ? फाइव वाला डेटा इसलिए नहीं फीड हुआ बिकॉज एम्प्लॉय नंबर पे मेरा यूनिक है। तो मैं इसको फोर कर लेता हूँ समझने भर के लिए और इसको फीड करता हूँ। एक डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो गया, कमिट कर लेता हूँ। डेटा को एक बार देख भी लेते हैं। थ्री रोज वन की हैं, एक मेरा फाइव का है। अब एक बार कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हैं और देखते हैं कंस्ट्रेंट कुछ बोलता है या नहीं बोलता है। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट मैंने क्रिएट करने गया। कंस्ट्रेंट ने बोला, क्या बोला? कैन नॉट वैलिडेट। देखो इसने डेटा को वैलिडेट करने गया। मैं कोई भी कंस्ट्रेंट तब बना सकता हूं, अगर आपको हल्का सा याद होगा कि जैसे मैंने ऑल्टरेशन आपको सिखाया था कि किसी कॉलम का अगर टाइप चेंज करते हैं, वेर कैर से नंबर करते हैं, नंबर से डेट करते हैं, कुछ करते हैं, तो अगर उसके अंदर जो आपका टारगेट वाला जो डेटा टाइप है, अगर वो टाइप का डेटा नहीं है, तो आप चेंज नहीं कर सकते, अपने ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरीके से ये भी मेरे टेबल का ऑल्टरेशन का ही पार्ट है। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? बिकॉज जो फाइव जो डेटा है, जो फाइव वाला मैंने डेटा फीड किया है, वो डेटा मेरी पेरेंट टेबल में, कौन सी टेबल है पेरेंट? पेरेंट टेबल है भी लोकेशन, ये वाला डेटा जिसको मैं यहाँ सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये फाइव वाला डेटा नहीं एग्जिस्ट करता है मेरे मास्टर वाली टेबल में। यहाँ एग्जिस्ट करता है वन टू थ्री, मैंने फीड किया हुआ फाइव। तो सबसे पहले जो ये अपडेट मैंने चलाया था, ये इसीलिए चलाया था कि मैं सबको वन कर रहा हूँ। अब मैं अपना ऑल्टरेशन कर पाऊंगा, ईजिली कर पाऊंगा। आप देखिए मेरे पास जो डेटा है वो वही डेटा है जो मेरे मास्टर टेबल में एग्जिस्ट करता है। कभी भी किसी भी डेटा के ऊपर ऑल्टरेशन नहीं चला सकते जब तक कि मेरा डेटा सोर्स वाली जो भी कुछ मैं एक्टिविटी करने वाला हूं उसके हिसाब से ना हो। ठीक है, तो अब मेरे पास वन का डेटा है। अब अपने एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहां पर अपना कंस्ट्रेंट क्रिएट करके देखता हूं क्या ये अब एरर देगा। इसने एरर नहीं दिया, इसने बोला टेबल ऑल्टर्ड। टेबल ऑल्टर्ड तो यहां देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रेंट बन भी गया है कि नहीं बन गया है, या कि इस कंस्ट्रेंट की जो जो ये नाम दिया है मैंने एड एक्स एक्स एल ओ सी एफ के फॉरेन की, ये मेरा कंस्ट्रेंट वाली टेबल में गया भी है कि नहीं गया है। तो कंस्ट्रेंट वाली टेबल को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूँ एक सेकेंड ऊपर से। कंस्ट्रेंट एडिट है, मैं देखता हूँ कंस्ट्रेंट बना भी है कि नहीं बना है। किस नाम से बनेगा? एक्स एक्स एल ओ सी एफ के, ये मेरा बन गया। एक प्राइमरी की ऑलरेडी बना हुआ है मैंने, बनाया हुआ है किस पर? एम्प्लॉय नंबर को अपना प्राइमरी की बनाया हुआ है। नाम नहीं दिया था बनाते वक्त, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिक एक नाम जनरेट करके रखा हुआ है। ठीक है, आप इसको टेस्ट करते हैं कि कंस्ट्रेंट बन गया, करेगा क्या ये? सॉरी, देखिए मैं किससे डिलीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं कर रहा हूं पेरेंट वाली। अभी देखिए चाइल्ड टेबल में वही डेटा आएगा जो मास्टर में एग्जिस्ट करेगा। यहां तक क्लैरिटी है फॉरेन की से? मास्टर टेबल से मैं उस डेटा के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता जो डेटा मेरा चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करता है। लेट्स से एग्जांपल की बात करते हैं। मैं कहता हूं लोकेशन से जो लोकेशन कोड वन है जिसका डेटा मेरा एम्प्लॉय टेबल में एग्जिस्ट करता है, उसको डिलीट कर दो भाई, मुझे नहीं चाहिए। सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है कि आप डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चाइल्ड टेबल में मेरे को इस रिकॉर्ड के अगेंस्ट, इस कॉलम के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड उधर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, एक तरीका। एक्चुअली फॉरेन की कंस्ट्रेंट में तीन चार चीजें हैं, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन लेना है कि आपको अपना फॉरेन की का कंस्ट्रेंट बनाना कैसे है। तो ये तो सिंपल हुआ कि भाई डेटा डिलीट करने से ही अगर रोकना है मेरे को, तो सिंपल इस तरीके से बनाओगे और कुछ नहीं करना है। बट कुछ कंडीशन ऐसी हो कि डिलीट करना ही है मेरे को, मेरी एक पहले एक लोकेशन थी जहां पे मेरा काम होता था, बट अब वहां पे मेरा ऑफिस फुल्ली क्लोज हो गया है, वो मेरे को चाहिए ही नहीं, तो उस पर आप करना क्या चाहते हो, तो उस लोकेशन को क्या डिसीजन लेना चाहते हो, ये डिपेंड करता है मेरे दूसरे तरीके के कंस्ट्रेंट को डिसाइड करने से। ध्यान समझना, फॉरेन की कई कंस्ट्रेंट है, कैसे बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे ड्रॉप कंस्ट्रेंट करूंगा जो मैं ऊपर बना के आया हूं, बिकॉज अगर डेटा को रोकना है, केवल रोकना है, तो मेरे को इस तरीके से कंस्ट्रेंट बनाना है।
ड्रॉप कंस्ट्रेंट, ऑल्टर टेबल के साथ ही मेरा ड्रॉप कंस्ट्रेंट चलेगा। तो सबसे पहले अपने कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करता हूँ, कंस्ट्रेंट को ड्रॉप कर दिया। अब अगर मैं वो एक्टिविटी करने जाऊंगा डिलीट की, तो सिस्टम मुझे करने देगा बिकॉज दोनों टेबल्स में कोई लिंक नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे एक लाइन और जुड़ गई है, सेम टू सेम सिंटैक्स है पहले वाला, बट लास्ट में एक लाइन जुड़ गई है, ऑन डिलीट सेट नल। नाम से ही सिंटैक्स से समझ में आ रहा है कि डिलीट करने दो चाइल्ड टेबल में वैल्यूज को, जहां पर वन लिखा हुआ है वहां पे नल कर दो। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मैं डिलीट करूंगा चाइल्ड टेबल से, जहां जहां भी वन आएगा ये सारी वैल्यूज नल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मास्टर से डिलीट हो जाएगा वन। चेक करते हैं, ये लिखा, कंस्ट्रेंट बन गया, डेटा है मेरे पास, डिलीट करता हूं। देखिए डिलीट आपकी करने देगा, वन रो डिलीटेड। लोकेशन में जाके देखते हैं वन गायब हो गया है, एम्प्लॉय में जाके देखते हैं वन की जगह आ क्या गया है, वन की जगह मेरा नल हो गया है। क्लियर है? दूसरे तरीके से भी कंस्ट्रेंट मुझे समझ में आ गया, रोल बैक कर देता हूं इतना भी सारा, कंस्ट्रेंट को अभी के लिए ड्रॉप कर देता हूं। तीसरी कंडीशन समझते हैं, ड्रॉप कर दिया मैंने फिर से कंस्ट्रेंट को। तीसरी कंडीशन है कि पहले में तो मैंने बोला कि भैया आप नल कर दो, तीसरी कंडीशन में मैंने बोला कि अगर मैं पेरेंट से कुछ डिलीट कर रहा हूं तो चाइल्ड से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। समझो, ऑन डिलीट कास्केड। कास्केड का मतलब होता है कि किस टेबल में जाकर के उसकी जो भी लिंकिंग है उस लिंक्ड डेटा को भी डिलीट कर लो। डिलीट करना इज नॉट अ कास्केड, बट डिलीट कास्केड लिखा है, कास्केड का बता रहा हूं कि जो भी थ्रेड्स उस पर्टिकुलर कॉलम से या टेबल से जुड़े हुए हैं वो कमांड सभी पे रन होगी। जैसे मैंने आपकी फिर से अपना कंस्ट्रेंट बना दिया है, ठीक है, कंस्ट्रेंट है टेबल में, अभी मेरी वन की वैल्यूज हैं चाइल्ड टेबल में। मेरे पास दूसरी टेबल जो है कौन सी, एक्स एक्स एल ओ सी टी एल में, यहां पे भी तीन डेटा है। अब मैं वन वाले डेटा को डिलीट करूंगा और देखूंगा कि एम्प्लॉय की टेबल में क्या होता है। तो समझने के लिए कि वन वाले पे ये एक्टिविटी हो रही है कि नहीं, तो मैं एडिट कर रहा हूं अभी के लिए, आपको समझाने भर के लिए। एडिट के वक्त फ्रॉम नहीं लिखा जाता है। एक वैल्यू को मैं टू कर लेता हूं बिकॉज टू भी मेरा मास्टर में है, एक तरीके का अपडेट है ये, कमिट कर दिया, ये कमिटेड है। अब मैं दिखाता हूं कि मेरी चाइल्ड टेबल में डेटा है, थ्री रोज है मेरी वन की, वन रोज है मेरी टू की। लोकेशन से डिलीट करने वाला हूं, क्या डिलीट लोकेशन से डेटा, कौन सा वाला, जहां पर लोकेशन कोड हो मेरा वन, ये मैं करने वाला हूं। तो ये जैसे ही करूंगा क्या होगा कि चाइल्ड टेबल से भी वन का डेटा डिलीट हो जाएगा। ये चलाया, इसने क्लियरली बोला वन रो डिलीटेड, क्योंकि डिलीट चला है मेरा लोकेशन वाली टेबल पर। देखते हैं डेटा मेरा है कि नहीं, वन वाला डेटा यहां से डिलीट हो गया होगा। क्लियर, चाइल्ड टेबल में देखते हैं कि वन वाला डेटा डिलीट हो गया कि स्टिल वहीं पर है। तो यहां से भी वन वाला डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, किससे, किसकी वजह से, ऑन डिलीट कास्केड की वजह से। ठीक है, रोल बैक कर रहा हूं अभी के लिए। तो ये तीन तरीके से प्राइमरी की, फॉरेन की जो कंस्ट्रेंट है, ये तीन तरीके से रिएक्ट करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको यूज करना चाहते हो। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट जब मैनेजमेंट से आप लोगे तो वहीं पे आपको डिसाइड हो जाएगा कि मेरा कंस्ट्रेंट या इन दोनों टेबल के बीच डिपेंडेंसी कैसी है। कई बार होता है कि मुझे मैंने पांच टेबल किसी एक इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए रखी है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल या प्रोफाइल डिटेल के लिए मैंने एम्प्लॉय टेबल बनाया, एम्प्लॉय की एड्रेस टेबल के लिए एड्रेस का टेबल बनाया, एम्प्लॉय की सैलरी स्ट्रक्चर के लिए मैंने तीसरा टेबल बनाया, एम्प्लॉय की मैनेजर डिटेल के लिए मैंने फोर्थ एक टेबल बनाया। और सारी टेबल्स में प्राइमरी की हैं अपने अपने कॉलम की, और वो आपस में प्रॉपर ज्वाइन, मतलब परफेक्ट ज्वाइन के साथ कनेक्ट होकर के रिलीवेंट डेटा भी देती है। बट उनके बीच में, अब लेट से कोई एम्प्लॉय जाता है
और उन टेबल से मुझे उसका डेटा पर्ज करना है. पर्ज टर्म इज न्यू फॉर ऑल ऑफ यू. पर्ज इज नथिंग, डेटा को एक टेबल से या तो डिलीट कर देना या फिर किसी बैकअप टेबल में रीस्टोर कर देना, मेरा पर्जिंग कहलाता है. ठीक है, पर्ज आपको जो पर्ज टर्म है वो आपको एप्लीकेशन पे भी सुनाई देगी. ठीक है, तो मुझे बजाय कि मैं पांच टेबल से किसी गए हुए या जिसने एम्प्लॉय ने कंपनी छोड़ दिया उसका पांच जगह से डेटा हटाऊं, बेटर है कि मैं उसके ऊपर एक फॉरेन की, एक क्यू मल्टीपल फॉरेन की कंस्ट्रेंट बनाऊं बेस्ड ऑन डिलीट कास्केड, जिससे कि मास्टर टेबल से जैसे ही एम्प्लॉय की एंट्री डिलीट करूं ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट फाइव टेबल से उसका रिलीवेंट डेटा डिलीट हो जाए अपने आप. ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरा प्राइमरी की और फॉरेन की जो है वो काम करते हैं. थोड़ा सा और आगे बढ़ते